नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर देख रहे होंगे, जरूर से देख रहे होंगे। हो सकता है कि आप उसे डायरेक्ट डाउनलोड मार रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डाउनलोड मारने से पहले एक बार कम से कम वीडियो देख लें, उसके बाद भले ही डाउनलोड मार लें। एक बार देखने का मतलब है आप 2-4 मिनट देखो, उसके बाद फिर डाउनलोड मार लें। उससे क्या है, थोड़े व्यूवर्स बढ़ जाएंगे। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन के बारे में या हिल रिएक्शन के बारे में, और हमने ये भी बताया था कि लाइट रिएक्शन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, लाइट रिएक्शन की जरूरत क्या होती है। लाइट रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, लाइट जो होती है, सनलाइट जो होती है, उसको हम बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब लाइट रिएक्शन का सीधे शब्दों में बात कहूँ तो लाइट रिएक्शन क्या करती है, एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएच का काम क्या है, ये आगे डार्क रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, मतलब जरूरत होती है एनर्जी की। ये डार्क रिएक्शन मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, पूरी पूरी डार्क रिएक्शन तो उसका सीक्वेंस है पूरा ये। तो इस सीक्वेंस में आप देखोगे कि एटीपी और एनएडीपीएच की जरूरत पड़ रही है, तो ये जरूरत कहाँ से पूरी होगी, लाइट रिएक्शन से। ठीक है, लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में हो रही है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या है ये, डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसको हम बोल सकते हैं केल्विन साइकिल या केल्विन बेंसन साइकिल। इसे केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं, केल्विन बेंसन साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, केल्विन ने की थी, और केल्विन और बेंसन ने, इसलिए इसे केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन जो होती है इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है, पहला स्थायी उत्पाद जो बनता है, वो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, इसलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया, सॉरी अप्रकाशिक अभिक्रिया में हम 3 साइकिल पढ़ेंगे। एक तो कौन सी है, C3 साइकिल, एक है C4 साइकिल, एक है CAM साइकिल, क्रेस्टुलेशियन एसिड मेटाबोलिज्म। हम तीनों को जब पढ़ेंगे तो वहीं पे इनकी चर्चा कर देंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ C3 पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो C3 साइकिल की बात हो रही है। देखो, ये एक लीफा स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा होगा, वो लीफ के अंदर एक मिडरिप होती है, ये बीच वाली मध्य शिरा, और ये सहायक होती है साइड वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस लीफ को अगर हम ऐसे काट देते हैं, ठीक है, ये पूरी लीफ काट दी मान लो, तो ये वाला हिस्सा आगे वाला, ये वाला हिस्सा, इसको अगर हम देखें ढंग से, जैसे इस लीफ को काट दिया ऐसे, तो ये वाला हिस्सा है, इसकी बात हो रही। इसको नहीं देखना, इसको देखना है। इसको देखेंगे तो एक तो क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से मिडरिप है, तो ये मिडरिप बीच में होगी, बंडल शीथ सेल्स होगी इसमें, और बाहर की तरफ क्या होगी, इस तरह से। आप एक बार डायग्राम पढ़ना, आपने अगर पढ़ा होगा इस तरह से, 11th में पढ़ा होगा, या तो 11th तो नहीं, चैप्टर 11th का है ये, लेकिन एक तो आपने जैसे मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, एक एनाटॉमी पढ़ी होगी। मॉर्फोलॉजी में हम लीफ का स्ट्रक्चर, मतलब जो बाहर की स्ट्रक्चर, जो बाहर की आकार की है वो पढ़ेंगे, अंदर की स्ट्रक्चर हम देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी में देखेंगे लीफ अंदर से इस तरह से दिखेगी। तो ये जो सेल्स है इसको बोलते हैं हम मेसोफिल सेल्स, क्या बोलेंगे, मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल कोशिकाएं, ये पेनिसेड होती है, मतलब खम्ब होती है, ये कौन सी होती है, स्पॉन्जी, दो तरह की होती है। तो ये हम इस तक फिर बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें यह देखना है कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल इनके अंदर होता है। ये विजिबल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा,
क्लोरोफिल जी, क्लोरोप्लास्ट इस सेक्शन में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर के थाइलोकोइड थे इस तरह से, और बीच का पार्ट है इसे बोलेंगे हम क्या, ये वाला स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। जो डार्क रिएक्शन है डार्क रिएक्शन क्या होती है, स्ट्रोमा में होती है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि डार्क रिएक्शन जो होती है उसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, प्रकाश की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन बोलेंगे। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब अंधेरे में हो रही है या इसके लिए लाइट मतलब हम बोले कि डार्क लाइट की जरूरत हो गई, क्योंकि ये बिना लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, इसलिए इसे हम डार्क रिएक्शन बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे क्या, बायो केमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैसे लाइट रिएक्शन को हमने क्या कहा था, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जैव रासायनिक अभिक्रिया। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, दोबारा कर दो। दोस्तों क्या थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। कई मैं काफ़ी कोशिश कर चुका इस बारे में कि भाई ना हो, लेकिन क्या है कि आप जानते हो लोगों को भी। चलो छोड़ो, बायोकेमिकल रिएक्शन बता दी। ये बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, पूरी एंजाइमेटिक होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में एंजाइम काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि एंजाइम काम करे इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं हो रही। और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या हो रही है, स्ट्रोमा या अधात्री। एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या हो रही है, स्ट्रोमा में या अधात्री में। जो डार्क रिएक्शन है इसको हम देखो तीन तीन तरह के रिएक्शन में होती है, ये तीन स्टेप होते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड। आवाज बैकग्राउंड में आती रहेगी, आप प्लीज डिस्टर्ब ना हो ना। स्टेप फर्स्ट फिक्सेशन, फिक्सेशन को बोलते हैं हम क्या, स्थिरीकरण, स्थिरीकरण, थोड़ा स्थिरीकरण ऐसा हो गया, ठीक है। किसका स्थिरीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मतलब क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है इसका स्थिरीकरण होगा या इसका अपचयन होगा, अपचयन भी कह सकते हैं, ठीक है। किसमें होता है, C6H12O6, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा या फिक्सेशन होगा किसमें, ग्लूकोज में, इसलिए इसे इस रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप होंगे, वो स्टेप देखते हैं। और जो मेन तीन स्टेप है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, देखो इसका जो अभिकारक है, सबस्ट्रेट, वो कौन सा, RuBP, RuBP राइबोक्लोज 1,5-बाई-फॉस्फेट, RuBP 1,5-बाई-फॉस्फेट। देखो RuBP क्या है, राइबोक्लोज क्या है, एक कीटो शुगर है, मतलब कीटोन होगा, ये देखो एक कीटोन शुगर है, कीटोन शुगर पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे क्या है, फॉस्फेट है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, राइबुलोज 1,5-फॉस्फेट, राइबुलोज 1,5-बाई-फॉस्फेट, ठीक है। ये एक सबस्ट्रेट है, इसमें 5 कार्बन है, एक कार्बन कहाँ से आएगा, CO2 से कार्बन आ गया, और 6 कार्बन वाला एक अस्थायी या अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, जो टूटकर 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन वाले, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इसलिए क्या बोलेंगे इसे हम, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये प्रोसेस होने के लिए एक एंजाइम है रूबिस्को, क्या है ये, रूबिस्को। इसमें ये रूबिस्को आप समझ गए होंगे, राइबुलोज बाई फॉस्फेट, यहाँ तक तो हो गया। सी मतलब होता कार्बोक्सिलेज और ओ मतलब होता ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज काम क्या है, CO2 को ऐड करना,
ऑक्सीजन के लेस का फंक्शन क्या है, O2 को ऐड करना। तो ये यहाँ पे एक ही काम, एक बार में एक ही काम करेगा ये, या तो ये अगर CO2 कंसंट्रेशन चाहता है, अगर CO2 की सांद्रता चाहता है तो CO2 को ऐड करेगा, और अगर ऑक्सीजन की सांद्रता चाहता है, कंसंट्रेशन चाहता है, तो ये एक्टिविटी काम आएगी जो फोटो रेस्पिरेशन में काम आती है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये ध्यान रखना इसका काम क्या है, फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन। क्या नाम काम है इसका, प्रकाश श्वसन कराने का, जो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है कि ये PGA ग्लिसरिक एसिड है। देखो ये क्या है, COOH ग्रुप है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये इसका अपचयन होता है। दूसरा स्टेप क्या है, अपचयन। इसमें अपचयन हो रहा है इसका एल्डिहाइड में। इसे हम भी बोल सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये भी बोल सकते हैं 3-PGAL बोल सकते हैं, एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बोल सकते हैं। मतलब एसिड का एल्डिहाइड में क्या हो गया, अपचयन हो गया है। यहाँ पर दो एंजाइम काम आ रहे हैं, एक तो काइनेज, एक क्या हो रहा है डिहाइड्रोजिनेज। काइनेज बोल, चलो तो इस तरह का डिस्टर्बेंस चले जा रहा है, चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी प्रॉब्लम होती है। शायद लोगों को लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं इस वीडियो बनाने के, तो किसी तरह से डिस्टर्बेंस किया जाए। इतना टाइम हो गया, मतलब हर बार जब भी वीडियो स्टार्ट, जब जो ही मेरी आवाज़ बार थोड़ी बार जाती है तो लोग बर्तन वगैरह पर फालतू, जो आप समझ रहे हो, ताकि किसी तरह डिस्टर्बेंस हो। अब कितना भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बनाता रहूँगा। आपको अगर लाइक पसंद आए तो देखते रहना, नहीं पसंद आए तो आप बंद रहोगे, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वैसे भी कोई वो नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, अपचयन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होगा तो यहाँ पर दो एंजाइम काम आ रहे हैं, एक तो काइनेज काम आ रहा है, एक डिहाइड्रोजिनेज। काइनेज का काम क्या है कि ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, मतलब ये क्या करेगा, ट्रांसफर करता है। ध्यान रखना, यही लिख देता हूँ मैं, इस काइनेज का काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट, मतलब ये अभिक्रिया, ये रिएक्शन इधर से इधर भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, एक सबस्ट्रेट से ट्रांसफर करता है फॉस्फेट को दूसरे सबस्ट्रेट पर। तो यहाँ से इसने ATP को, ATP से फॉस्फेट निकाला और हटा दिया, यहाँ से फॉस्फेट को इसने हटा दिया, ठीक है। तो ADP+PN इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पर CO2, एक CO2 फिक्सेशन के लिए यहाँ पर 2 ATP की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा है, NADPH2 जो है इसका तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया, इसका तो हो गया ऑक्सीकरण और इसका हो गया अपचयन, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे। डिहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा है, इसका अपचयन कर रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, दो मॉलिक्यूल जो है NADPH के काम आएंगे, 2 ATP 2 NADPH क्या बन गया, PGAL। ये PGAL बना है, देखो दो मॉलिक्यूल थे ना यहाँ पे, ध्यान रखना दो मॉलिक्यूल यहाँ पे थे, दो ही मॉलिक्यूल ये बनेंगे अलग अलग। फिर बाद में मतलब क्या हो गया, 6 कार्बन, 3 कार्बन ये और 3 कार्बन दूसरा वाले मॉलिक्यूल के, 6 कार्बन हो गए दोनों को मिला के। यहाँ पर भी दो को मिला के क्या हो जाएगा, 6 कार्बन हो जाएगा। 6 में से दोनों मिलके जैसे मान लो हम बोल सकते हैं, एक का क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा और क्या बनेगा, DHAP। DHAP का पूरा नाम क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अगर आप ये शब्द पहली बार सुन रहे हो तो आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन आपने अगर पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छी तरह से, मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। DHAP क्या होता है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, राइबुलोज 5 फॉस्फेट क्या बन गया, राइबुलोज 5 फॉस्फेट। इसमें क्या है, 5 कार्बन है, 1 कार्बन कहा गया, इनमें से 1 कार्बन क्या है, इधर आता है ग्लूकोज बनाने काम आ जाता है, और ग्लूकोज से क्या बन जाता है, सुक्रोज से क्या बनता है, स्टार्च,
ठीक है, ये हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये स्टार्च बनाने में काम आ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर कार्बन तो एक ही बचा है। जी हाँ कार्बन एक ही बचा है यहाँ पे, तो यहाँ से 6 कार्बन चलेंगे, ठीक है, 6 CO2 काम आएंगे और 6 CO2 का एक साथ रिडक्शन होगा, मतलब 6 साइकिल होंगे, 6 साइकिल होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 कार्बन का फिक्सेशन करना होगा और 6 मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो ग्लूकोज से सुक्रोज, सुक्रोज से स्टार्च, तो आपके समझ में आ गया होगा। सुक्रोज है, इसी के फॉर्म में क्या होता है, भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है। राइब्रोज 1,5 जो राइब्रोज 5 फॉस्फेट है, ये क्या होगा, इसका क्या होगा, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन मतलब एक तरह से हिंदी में पुनर्निर्माण बोल सकते हैं, पुनर्निर्माण। इसमें क्या होगा कि एक ATP काम आएगा, इसका फॉस्फेट है यहाँ इस पे ऐड हो जाएगा, मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे 5वीं पोजीशन पे क्या था, 1 2 3 4 5 यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ था, तब एक ATP हो जाएगा, दूसरा फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये वाली कंडीशन आ जाएगी, मतलब राइबुलोज 1,5-5 फॉस्फेट बन जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो एक ATP यहाँ काम आ गया, 2 ATP यहाँ पे, 1 CO2 फिक्सेशन में, तो टोटल कितने हो गए, देखो एक ये याद रखना आपको, 1 CO2 के लिए 3 ATP प्लस 2 NADPH की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे एक ग्लूकोज के लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 6 CO2 चाहिए, कितने चाहिए, 6 CO2, इसके लिए फिर कितनी जरूरत हो गई, 18 तो ATP चाहिए हमको, प्लस 12 NADPH, ठीक है। तो ये हो गई आपका C3 साइकिल। इसमें आपको पहले तो अगर आपको केमिकल फॉर्मूला तो इसलिए बताया मैंने ताकि आप थोड़ा समझ जाओ कि कौन सी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है और आपके थोड़ा दिमाग में रहे कि कौन सा एसिड है कौन सा एल्डिहाइड है। नेम आपको सिर्फ मेन तो क्या है कि आपको सिर्फ नाम याद रखना है, RUBC से PGA बना, PGA से क्या बना, PGAL बना, PGAL से राइबुलोज बना, राइबुलोज से RUBC बना। ये 3 स्टेप आपको याद रखना है, तीनों एंजाइम के नाम याद रखना है, फिर उसके ऊपर फंक्शन याद रखना है। इस तरह से ये टॉपिक आपका मतलब C3 साइकिल है ये कंप्लीट हो चुका है। आगे हम C4 और CAM पढ़ेंगे, दोनों एक साथ ही देख लेंगे, उसके बाद दोनों में कंपेरिजन वगैरह देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर भी बता रहा हूँ आपको लेक्चर में अभी बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, आपको सुनना है तो लास्ट तक आप देखना, कि शायद लोगों को लगता है कि जैसे अब मुझे तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई डिस्टर्बेंस, तो सर ऐसी दिक्कत होती है कि डिस्टर्ब कौन क्यों कर रहा है। जैसे कई बार क्या होता है डिस्टर्बेंस से क्या होता है कि कुछ पढ़ाने वाला होता हूँ, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ उसमें से भी कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, फिर दिमाग उधर चल जाता है। तो ऐसे पहले भी कई बार हो चुका, ठीक है। तो चलो अगर आपको लगता है कि फिर भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप वीडियो देखना, और मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ, 1 घंटा हो गया वीडियो के लेते हुए, वीडियो कितने का मिनट का है, ज़्यादा मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट का होगा। इसको बनाने में मुझे 1-1.5 घंटा लग गया, और अगर सही मायने में देखें तो मुझे पूरा 1 दिन लग गया, मतलब 2 दिन हो गए। कल भी मैंने कोशिश की थी बनाने की, नहीं बना, सुबह कोशिश की नहीं बना, अभी कोशिश कर रहा हूँ नहीं बन रहा, अब नाइट में कोशिश करूँगा तो भी दिक्कत होती है, मतलब हर बार प्रॉब्लम हो रही है। चलो कोई नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा और सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, दोनों चीज़ें देखो, देखो आप ना तो वीडियो शेयरिंग हो रही है, ना व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब बताओ मन कैसे करेगा बनाने का। तो अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो कंटिन्यू भी करना है और मेरा मन लगे रहे, एनर्जी बनी रहे, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करो। अगर आपको लगता है कि आपको आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा मेरे वीडियो से, तो फिर मैं समझूंगा हाँ, अगर आप वीडियो शेयर नहीं करोगे या फिर सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, जो भी रीज़न है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिस पे भी अगर शेयर नहीं कर रहे हो, तो मुझे सिर्फ ये लगेगा कि हाँ शायद मुझसे आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, ठीक है, तो फिर शायद मैं छोड़ दूँ, यही होगा फिर, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।